हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी एक्सट्रीमा। वी विल टीच बायोलॉजी फ्रॉम द बेसिक्स टू द एक्सट्रीम। माय सेल्फ केशव बंसल। एंड आज हम इस स्टूडियो में क्या करेंगे, आज हम इस स्टूडियो में स्टीरियो आइसोमेरिज्म को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, उसमें हम क्या पढ़ेंगे आज, एपिमर्स। इससे पहले जो वीडियोज़ हैं उनमें हम क्या स्टडी कर चुके हैं, हम स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, उनके फिर फर्दर दो टाइप्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, उनके बीच में डिफरेंसेस क्या है, वो हमने एक पार्ट में स्टडी किया था। फिर उसके नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या स्टडी किया था, स्टीरियो आइसोमर्स में हमारे दो चीज़ें होती हैं, एक तो हमारे क्या होता है एनेंशियोमर्स होते हैं, ठीक है, उन्हें हमने स्टडी किया था। फिर एनेंशियोमर्स और डायस्टेरियोमर्स में क्या डिफरेंस होता है, उसी को हमने स्टडी किया था। क्लियर, इस वीडियो में हम एनोमर्स एपिमर्स को स्टडी कर रहे हैं और जो फोर्थ वीडियो होगा उसमें हम एनोमर्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को। अच्छा, हमने कहा और ये हम किसके अंदर स्टडी कर रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है, स्पेशली कहा मोनोसेक्राइड्स के अंदर। क्लियर, तो हम बात करते हैं एपिमर्स की। तो एपिमर्स क्या होता है, एपिमर्स हमारे वही बात है कि स्टीरियो आइसोमर्स ही है। ठीक है, ये टॉपिक स्टीरियो आइसोमर चल रहा है, ये हमारे स्टीरियो आइसोमर्स ही है। और स्टीरियो आइसोमर्स जिसको नहीं पता, ये नया टॉपिक देख रहा है, उसके लिए फिर से मैं कह देता हूँ, वैसे तो प्रीवियस वीडियोस देखना तो बेटर होगा। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स हमारे आइसोमर्स यानी इनका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होता है, मॉलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स से कैसे डिफर करते हैं, बिकॉज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में अरेंजमेंट डिफर कर सकता है। फॉर एग्जांपल, एक जगह एल्डिहाइड ग्रुप है तो दूसरी जगह कीटोन ग्रुप हो गया। ठीक है, तो वे स्ट्रक्चरल आइसोमर हुए एक दूसरे के। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर नहीं हुए। स्टीरियो आइसोमर में क्या होना जरूरी है, स्टीरियो आइसोमर में आपका अरेंजमेंट भी होना, जो एटम्स का अरेंजमेंट है, जो वे फंक्शनल ग्रुप्स बना रहे हैं, वो भी सिमिलर होने चाहिए, तो हमारे स्टीरियो आइसोमर्स कहलाएंगे। ठीक है, अब फर्दर क्या होता है, तो यहाँ पर स्टीरियो आइसोमर्स में कुछ डिफरेंस भी तो होगा, तभी तो हम कहेंगे भाई एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल का स्टीरियो आइसोमर है। तो यहाँ पर डिफरेंस किस चीज़ में आता है, कि यहाँ पर डिफरेंस आता है ओरिएंटेशन ऑफ एटम में। ठीक है, जैसे आपका सिस और ट्रांस हो गया, ठीक है, वहाँ पर आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप्स हो, जो भी जिस तरह से भी अरेंजमेंट हो रखा है एटम्स का, कि कहीं पर मिथाइल ग्रुप है तो दूसरी जगह पर मिथाइल ग्रुप है दूसरे मॉलिक्यूल में। ठीक है, बट अरेंजमेंट डिफर कर रहा है, जैसे सिस ट्रांस की कंडीशन हो गई हमारी, ठीक है, या फिर हमारा LND फॉर्म हो गए, जो हमने क्या पढ़े थे, एनेंशियोमर्स को हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था। क्लियर, तो वो सब हमारा स्टीरियो आइसोमर्स होता है। ठीक, अब ये भी हमारे स्टीरियो आइसोमर्स ही हैं एपिमर्स, इसमें क्या डिफरेंस है, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो हम जल्दी से फिगर पर चलते हैं। ठीक है, तो इस फिगर पर हम फोकस करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या, हमारे पास यहाँ पर ग्लूकोज और कौन सा, डी ग्लूकोज, डी मैनोज, डी गैलेक्टोज प्रेजेंट है। ठीक है, डी ग्लूकोज, डी मैनोज और डी गैलेक्टोज प्रेजेंट है। LND फॉर्म की मैंने अभी बात की थी, कि अगर हमारा जो पेनल्टीमेट कार्बन होता है, बिकॉज बड़े मॉलिक्यूल में ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें एक से ज़्यादा कायरल कार्बन प्रेजेंट होगा, ठीक है, वहाँ पर हम पेनल्टीमेट कार्बन को स्टडी करेंगे, बेसिकली उसके बेसिस पर हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारा ये कार्बन नंबर 1 है, तो पेनल्टीमेट क्या होता है, सेकंड लास्ट वाला, यानी ये वाले कार्बन। ठीक, ये वाले कार्बन। अब अगर इन वाले कार्बन्स में देखो, सब में डी लिखा है, ठीक है, मतलब क्या उस बात का, कि इन वाले कार्बन्स में क्या होगा, जो OH ग्रुप होगा पेनल्टीमेट कार्बन का, यानी जो फिफ्थ सेकंड लास्ट है, वो किस साइड होगा, राइट साइड होगा। ठीक है, राइट साइड होगा तो डी कन्फर्मेशन होगी, और अगर ये लेफ्ट साइड होता है तो आर कन्फर्मेशन होती है। ठीक है, बट सब में राइट साइड है पेन अल्टीमेट कार्बन का, जो OH ग्रुप है, इसलिए ये सारे के सारे क्या है हमारे पास, ये हमारे कौन क्या चीज़ नहीं है, हमारे एनेंशियोमर्स नहीं है, वरना ये एनेंशियोमर्स होते एक दूसरे के, अगर LND फॉर्म हमें मिलती। ठीक है, ये सब के सब हमारे डी फॉर्म है। क्लियर, इसलिए सबके आगे डी लगा है। बाकी अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो आप क्या करना, पिछले वीडियो देखना, वहाँ पर ये चीज़ अच्छे से समझाई गई है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अच्छा डी तो हमने समझ लिया, डी क्यों लिखा है। ठीक, अब हमें समझ में आया कि अभी ग्लूकोज है। अच्छा, ये सारे के सारे क्या हमारे पास बेटा, ये सारे के सारे हमारे पास मोनोसेक्राइड्स हैं। मोनोसेक्राइड्स में भी हेक्सोस, यानी सबके पास 6 कार्बन है, सबके पास 6 कार्बन प्रेजेंट है हमारे पास। ठीक है, और सारी के सारी एक चीज़ मैं ऐड करता हूँ, ये सारी के सारे एल्डोस ग्रुप प्रेजेंट, देखो एल्डिहाइड प्रेजेंट है इनके पास, किसी के पास भी कीटोन ग्रुप नहीं है। क्लियर, तो ये भी अभी हम देखेंगे आके एक क्वेश्चन में एक जगह लिखा है। क्लियर, अब देखो आप इसमें मेन डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ठीक है, मेन हमारा डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, कि अगर हम ग्लूकोज को देखें, और एपिमर्स हमारे पेयर्स में होता है, बिकॉज आइसोमर्स हम हमेशा पेयर्स में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं ग्लूकोज को। ठीक, ग्लूकोज और गैलेक्टोज को हम पिकअप करते हैं। ठीक है बेटा, तो ग्लूकोज में हमारा क्या होगा, कि हम जो भी एपिमर्स होते हैं, तो एपिमर्स में हमें कंडीशन बताते हैं कि जो दोनों मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, ऑब्वियसली बात है इसमें कई सारे कायरल सेंटर हैं, तो सिर्फ एक ही कायरल सेंटर पर, सिर्फ एक ही कायरल कार्बन पर उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, यानी जो ओरिएंटेशन है एटम्स का, वो डिफर करना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा एटम्स, एक से ज़्यादा कायरल कार्बन पर ये कॉन्फ़िगरेशन डिफर कर रहा है,
तो वे हमारे एपिमर्स नहीं हो सकते। ठीक है, मतलब कैसे बात का देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा इस ग्लूकोज को लेते हैं, डीगैलेक्टोज को लेते हैं। ठीक, तो देखो पहला का पहला जो एल्डिहाइड ग्रुप है सेम सिमिलर। ठीक है, सेकंड पोजीशन देखते हैं, सेकंड पोजीशन पर भी बिल्कुल अरेंजमेंट सेम है, थर्ड पोजीशन पर भी बिल्कुल अरेंजमेंट सेम है। डिफरेंस कहाँ आया, फोर्थ कार्बन पर। एक जगह हमारा OH ग्रुप राइट हैंड साइड है और इस जगह OH हमारा ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड है गैलेक्टोज की स्टेट में। ठीक है, फिर देखते हैं आगे, फिफ्थ पोजीशन भी सही है, फिफ्थ पोजीशन भी बिल्कुल सेम है और सिक्स पोजीशन भी बिल्कुल सेम है। यानी जो ग्लूकोज डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज सिर्फ एक ही कायरल सेंटर पर एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं। ठीक, तो हाँ ये हमारे क्या हैं, ये हमारे एपिमर्स हैं। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज एक दूसरे के एपिमर्स हो गए। ठीक, अब हम बात करते हैं यही सेम बात मैनोस के केस के अंदर। तो मैनोस और इसे चेक करते हैं हम ग्लूकोज को वापस से। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पोजीशन बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल सेम। सेकंड पोजीशन पर अरेंजमेंट हमें डिफर देखने को मिल रहा है। ठीक है, मैनोस के केस में जो OH ग्रुप है वो लेफ्ट हैंड साइड है, जबकि जो ग्लूकोज का केस है उसमें राइट हैंड साइड है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट कार्बन पर चलते हैं, थर्ड कार्बन पर बिल्कुल अरेंजमेंट सेम है, फोर्थ में भी अरेंजमेंट बिल्कुल सेम है, फिफ्थ में भी बिल्कुल अरेंजमेंट सेम है और सिक्स में भी अरेंजमेंट बिल्कुल सेम है। यानी ये दोनों भी एक दूसरे से सिर्फ एक ही कायरल कार्बन पर डिफर कर रहे हैं। क्या डिफर कर रहा है, कॉन्फिगरेशन अरेंजमेंट डिफर कर रहा है। ठीक है, एटम्स का अरेंजमेंट सही कहना चाहिए मेरे को, ओरिएंटेशन कहना चाहिए, ओरिएंटेशन डिफर कर रहा है। ठीक है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम ही है। क्लियर, तो इसलिए एक दूसरे के आके लाए जाएंगे कि डी ग्लूकोज और डी मैनोस एक दूसरे के एपिमर्स हैं। ठीक, मतलब यानी ग्लूकोज एक से ज्यादा एपिमर्स बना सकता है। ठीक है, एपिमर्स पेयर्स की बात हो रही है, तो डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज भी एक दूसरे के एपिमर्स हैं और डी ग्लूकोज और डी मैनोज भी एक दूसरे के क्या बेटा, एपिमर्स हैं। ठीक है, अब हम एक चीज़ हम मन में आती है कि भाई जैसे हम कहते हैं भाई, ए अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बी के, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सी के, तो भाई हमारा ए और सी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने चाहिए। ठीक है, बट वो यहाँ पर सेट नहीं बैठती बात। ठीक है, क्यों नहीं सेट बैठती, मतलब क्या कहना का मतलब है मेरा, कि अगर ग्लूकोज और गैलेक्टोज एक दूसरे के एपिमर्स हैं और ग्लूकोज मैनोज भी एक दूसरे के एपिमर्स हैं, तो भाई मैनोज और गैलेक्टोज भी तो एक दूसरे के एपिमर्स होने चाहिए। अब इसको चेक करते हैं क्या हमारा ये कंक्लूजन सही है, देखते हैं इस चीज़ को। तो उसी वही सेम हम प्रोसेस यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमने कहा भाई सी एच ओ ग्रुप बिल्कुल सेम है। ठीक है, सेकंड पोजीशन पर क्या ही डिफरेंट है, हाँ जी डिफरेंट है, एक जगह राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड है हमारा, यहाँ पर मैंने उसके केस में वैसे ग्रुप यहाँ पर हमारा राइट हैंड साइड है। ठीक है, फिर हम थर्ड पर आए, थर्ड पर भी बिल्कुल सेम है। ठीक, फिर हमने फोर्थ देखा, फोर्थ पर भी हमारा डिफरेंट है, यहाँ पर हमारा राइट हैंड साइड में है, वहाँ पर हमारा लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है वैसे ग्रुप। ठीक, फिफ्थ में बिल्कुल सेम है, सिक्स में बिल्कुल सेम है, बट यहाँ पर क्या हमारा फोर्थ और सेकंड पोजीशन पर डिफरेंट आ रहा है, यानी एक से ज़्यादा कायरल कार्बन पर जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो ओरिएंटेशन है एटम्स का, वो डिफरेंट आ रहा है। ठीक, तो मतलब ये एक दूसरे के एपिमर्स नहीं हो सकते, दे कैन नॉट बी एपिमर्स ऑफ ईच अदर, दे कैन नॉट। ठीक है, तो इसी तो हमने क्या चीज़ देखी कि भाई दो शुगर्स जो सिर्फ एक ही कायरल सेंटर पर ऑरिएंटेशन में या फिर कॉन्फ़िगरेशन में डिफर करते हैं, ऐसे स्टीरियोआइसोमर्स को हम क्या कहते हैं, एपिमर्स। ऐसे शुगर्स को हम क्या कह रहे हैं, एपिमर्स कह रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमने कहा डी मैनोज डी ग्लूकोज एक दूसरे के एपिमर्स हैं, डी ग्लूकोज डी गैलेक्टोज एक दूसरे के एपिमर्स हैं, लेकिन डी मैनोज एंड डी गैलेक्टोज एक दूसरे के एपिमर्स नहीं है। ठीक, अब इन कॉन्सेप्ट्स को हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। दो इसके अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चन है, एक हमारे लास्ट में CSIR में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एक PYQ है, CSIR लेवल का भी हम देखेंगे PhD एंट्रेंस के लिए। ठीक, तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स हैं और मोनोसेक्राइड है, हमें पता है दोनों ही मोनोसेक्राइड है हमारे। ठीक है, दोनों ही हमारे 6-6 और मोनोसेक्राइड में भी हमारे पास क्या है, दोनों एल्डोहेक्सोसिस हैं, यानी एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है और 6 कार्बन प्रेजेंट है। ठीक, तो अभी किस टाइप का आइसोमर है, इन्होंने कहा ये आइसोमर है, लेकिन किस टाइप के, क्या ये एनोमर है, हमें एनोमर तो पढ़ा ही नहीं, हम कुछ बता नहीं सकते। क्या ये हमारे एनेंशियोमर्स हैं, एनेंशियोमर्स में मैंने क्या कहा था, एनेंशियोमर्स में हमारा LND फॉर्म प्रेजेंट होती है, LND फॉर्म प्रेजेंट होती है पेन अल्टीमेट कार्बन पर। ठीक है, पेन अल्टीमेट कार्बन पर जो OH ग्रुप है वो डिफर करता है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज में हमने अभी देखा जो पेन अल्टीमेट कार्बन है वो तो बिल्कुल सेम है। ठीक है, वो तो बिल्कुल सेम है, तो एक दूसरे के एनेंशियोमर्स नहीं है। ठीक,
क्या ये कन्फर्मर्स है? कन्फर्मर्स भी हमने नहीं पढ़ा तो हम कुछ नहीं कह सकते। फिर हम बात करते हैं क्या ये एपिमर्स है? हाँ जी एपिमर्स है, हमने अभी स्टडी किया है कि ग्लूकोस और गैलेक्टोस एक दूसरे के एपिमर है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या आती है कि किस पोजिशन पर एपिमर है। अभी हम आगे देखेंगे कि क्या चीज़ आपको दी जाएगी कि आपको ये तो पूछा जाएगा, बताया जाएगा कि ग्लूकोस और गैलेक्टोस एक दूसरे के एपिमर हैं, बट क्या करेंगे कार्बन नंबर चेंज कर देंगे, 5 बता सकते हैं, 3 बता सकते हैं, 2 बता सकते हैं। तो आप एकदम से खुश हो जाओगे देखते ही कि अच्छा हाँ ग्लूकोस और गैलेक्टोस तो हाँ भी एक दूसरे के एपिमर है, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि किस पोजीशन पर, किस कारण कार्बन पर एपिमर है, ठीक। ऐसे आपका ग्लूकोस मेनोस जब एक दूसरे का एपिमर है तो आपको पोजीशन ध्यान रखनी है, भाई ये सेकंड कार्बन पर एक दूसरे का एपिमर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है कि ग्लूकोस और मेनोस एपिमर्स हैं, इसका मतलब क्या हुआ देख लेते हैं। क्या वे मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे के? नहीं, ये तो फंडा किस में आता है, हमारा आता है एनेंशियोमर्स में, कि एल एन डी फॉर्म होने पर एक दूसरे के एनेंशियोमर्स होता है, ठीक है, मिरर इमेजेस हो सकती है, ठीक। या फिर सिस और ट्रांस ले लो तब भी आप कह सकते हो, जो सिस ट्रांस है वे भी एक दूसरे के हमारे मिरर इमेजेस हैं, ठीक है। और हमारा अब हम बात करते हैं क्या ये कह रहे हैं कि एक एल्डोस है दूसरा कीटोस है। अब देखो दोनों ही हमारे एल्डोस हैं, ठीक, बट अगर मैं यहाँ पर एल्डोस लिख भी दूँ, अगर मैं यहाँ पर एल्डोस लिख भी दूँ तब भी हमारा बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो स्टेटमेंट वैसे ही गलत है, बिकॉज ग्लूकोस मेनोस गैलेक्टोस तीनों ही हमारे एल्डोस हैं, तीनों के पास सी एच ओ ग्रुप है, ठीक है। लेकिन हमारा अगर यहाँ पर मैं एल्डोस भी कर दूँ तब भी ये गलत क्यों हो जाएगा स्टेटमेंट, बिकॉज दोनों एल्डोस हैं इस वजह से दोनों एपिमर नहीं है। एपिमर की कंडीशन क्या है कि एक कार्बन कार्बन पर जो ओरिएंटेशन होगा, जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो डिफर करेगा, ठीक है। इसलिए बी ऑप्शन गलत हो गया, ए ऑप्शन गलत हो गया। फिर बात आते हैं दे रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट इन अपोजिट डायरेक्शन। अब देखो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि हमने जब आपने वो देखा होगा ऑप्टिकल रोटेशन, तो स्मॉल एल एंड स्मॉल डी से देखा जाता है कि भाई प्लेन पोलराइज लाइट को अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाया गया तो एल ओरिएंटेशन होगी, लेवो रोटेटरी कहा जाएगा, और अगर क्लॉकवाइज घुमाया गया तो डी कॉन्फिगरेशन होगी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहा जाएगा, और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एल स्मॉल डी से, ठीक है। ये डिफरेंट है, किससे डिफरेंट है, ये इस कैपिटल एल कैपिटल डी से डिफरेंट है, ठीक है। ये कैपिटल एल कैपिटल डी से डिफरेंट है, जहाँ पर हमारा ओ एच ग्रुप की ओरिएंटेशन की बात हुई है, क्लियर। तो स्टिल ये हमारा ऑप्शन सी गलत है, बिकॉज ये इस वजह से एपिमर्स नहीं होते, ठीक है। फिर लास्ट आता, देखो लास्ट में दिया उन्होंने स्टेटमेंट, दे डिफर ओनली इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वन कार्बन एटम, और स्पेशली कौन सा कार्बन कार्बन एटम की ओरिएंटेशन पे सिर्फ वे डिफर करते हैं। अगर एक ही कार्बन कार्बन के पे डिफर कर रहे हैं ओरिएंटेशन यानी जो कॉन्फ़िगरेशन है, तब जाकर वे एपिमर्स कहलाए जाएंगे। इसलिए जो ऑप्शन डी है वो क्या है हमारे पास, वो हमारे पास करेक्ट आंसर, ठीक है, वो हमारे पास क्या बेटा करेक्ट आंसर है, क्लियर। अब यह आता है वो भी दो जो हमने किए हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे, अभी हमारा आता है सीएसआर का क्वेश्चन, ठीक है। सीएसआर का आया थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, क्लियर, लेकिन मजा आएगा, हमने सारा जो कॉन्सेप्ट है ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अभी हमारा कह रहा है कि फॉलोइंग आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ स्टीरोइसमस, ठीक है। अभी इन्होंने कह दिया अभी थप्पा लगा दिया, स्टीरोइसमस है क्या है ये, एल्डोहेक्सोसिस है, बच्चा देखो डर जाएगा। एल्डोहेक्सोसिस मतलब क्या हुआ कि मोनोसैकेराइड्स की बात कर रहा है, स्पेसिफिक मोनोसैकेराइड्स की बात कर रहा है, ठीक है। बिकॉज मोनोसैकेराइड्स में हमारे एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन ग्रुप भी हो सकता है, और कार्बन नंबर 3 से लेके, ठीक है, ट्रायोसिस से लेके कार्बन नंबर 7 यानी हेप्टुलोस तक हो सकते हैं हमारे, ठीक है। और ये अब ये जब कह रहे हैं एल्डो यानी एल्डिहाइड ग्रुप ही होगा तीनों के अंदर है, हेक्सोसिस यानी सिर्फ 6 कार्बन प्रेजेंट है, सब में ही 6 कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इससे हमें देखिए डरना नहीं है। अभी पूछ रहा है कि ये डिफर करते हैं स्टीरो केमिस्ट्री में, ठीक है, हम देखेंगे स्टडी करेंगे, क्लियर। तो इस बेसिस पर हमारे क्या क्या ऑप्शंस बैठते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं। ये कह रहा है अभी डी ग्लूकोस और डी मेनोस एक दूसरे के एपिमर्स हैं, ठीक है, हमने अभी स्टडी किया है, हाँ भी एक दूसरे के एपिमर्स हैं, ठीक। और मेन बात क्या है कि किस पोजीशन पर एपिमर, जो मैंने आपको अभी बताया था कि ये एक दूसरे के, सॉरी ये मैं डी मेनोसेरा, ठीक है, एक दूसरे के एपिमर्स है कार्बन नंबर 2 पोजीशन पर, तो हमने चेक कर लिया अभी। और याद रखना है आपको कि अभी 2 नंबर पर ही ये एक दूसरे के एपिमर्स हैं। अगर मैं यहाँ पर C5 कर दूँ, C3 कर दूँ, C4 कर दूँ, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। बट ये ऑप्शन करेक्ट क्यों है, बिकॉज सब करेक्ट स्टेटमेंट दी गई है, क्लियर। फिर हम बात करते हैं डी ग्लूकोस और डी गैलेक्टोस की, इन दोनों की, तो हमें पता है एक दूसरे के एपिमर्स हैं, किस पोजीशन पर, 4th पोजीशन के कार्बन पर, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 और 4, देखो रेस्ट सेम है बिल्कुल मॉलिक्यूल जो है, ठीक है। तो हाँ ये हमारे क्या हुए, ये भी हमारे बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो गई, ठीक है। अब दोनों भी देखते हैं, इससे हम आंसर निकाल सकते हैं, बट और भी देखते हैं। डी मेनोस और डी ग्लूकोस जो है एपिमर्स हैं,
ठीक है, हमें पता है हमें डी मैनोस और डी ग्लूकोस एक दूसरे के एपिमर्स। अब देखो कुछ बच्चे ये खुश होकर टिक लगा देंगे। अब मान लो ये सी और डी ऑप्शन पहले दिया होता तो आप सिर्फ यही पढ़ते सीधा, और बहुत बच्चे सिर्फ देखते हैं यहाँ मैनोस और ग्लूकोस तो एक दूसरे के एपिमर होते हैं, बट बच्चों को ये ध्यान नहीं रहता कि किस पोजिशन पर होते हैं। हमें पता है यहाँ पर सी टू होना चाहिए था, कार्बन सेकंड पोजिशन पर होता है, ठीक है, इसलिए सी ऑप्शन गलत हो गया। वही सेम इन्होंने डी के साथ किया, ठीक है, क्योंकि आप ये तो याद रख लो कि भाई मैनोस और गैलेक्टोज जो है एपिमर्स नहीं होते जब आपको दिखाया गया, ठीक है, लेकिन जो एपिमर्स है वो किस पोजीशन पर एपिमर है ये भी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, डी गैलेक्टोज और डी ग्लूकोज एपिमर्स हैं, बिल्कुल है, किस पोजीशन पर, C5 नहीं C4 पोजीशन पर ये एपिमर्स होते हैं, तो इसलिए डी ऑप्शन भी गलत हो गया। तो हमारी दो स्टेटमेंट से यही ए एंड बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर वन ये क्या है बेटा, ये करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से आपके हमने क्वेश्चन डिस्कस कर भी कर लिए किसके एपिमर्स के, ठीक है, आप और भी प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस को, क्लियर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारी वीडियोस हैं उन्हें शेयर करें ताकि और भी हेल्प हो सके, एंड प्लीज़ डोनेट करें ओनली 10 रुपीज़ पर मंथ। इस आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में, दिस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा, एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नोबेल सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक एंड टेक बैक कर सकूँ। सो थैंक यू फ्रॉम वाइलेज एक्सट्रीमा, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।